वेलकम एवरीवन, मैं हूं विकास और आप पढ़ रहे थे हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। आज इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे पालनोर सिंथेसिस की, यानी कि पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पालनोर सिंथेसिस है वो सबसे पहले फ्यूरान की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया गया था। 1884 में कार्ल पाल और लुडविग नोर ने जर्मनी के अंदर फ्यूरान को सिंथेसाइज किया इस मेथड से। उसके बाद ये मेथड पायरोल और थायोफिन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म सही ढंग से 1990 में जाके समझ में आया था, जो कि वी अमरनाथ और उसकी टीम ने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायरोल की सिंथेसिस से। अगर 1,4-डाइकीटोन को अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन से ट्रीट किया जाए और उसे हीट किया जाए तो वो पायरोल में कन्वर्ट या फिर पायरोल के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। प्राइमरी अमीन या फिर अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके पास होता है लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है एज ए न्यूक्लियोफाइल ये नाइट्रोजन अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर। अब जो 1,4-डाइकीटोन है यहाँ पे जितने भी कार्बन कार्बोनिल वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसी एक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जैसे यहाँ पे अटैक होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अमोनिया के अंदर से या फिर प्राइमरी अमीन के अंदर से। अब यहाँ पे OH बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे NH2 लग जाएगा। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए दे देता है और यहाँ से एज ए एच पॉजिटिव निकलता है, और जो OH है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, तो यहाँ से एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव वाटर एलिमिनेट हो जाता है। अगले स्टेप में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये फर्दर अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल वाले वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट, और ऑक्सीजन फिर से क्या करता है एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से, और यहाँ पे OH बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रिजिंग कर लेता है। इस कार्बन नाइट्रोजन और अगले कार्बन के बीच में ये ब्रिजिंग कर लेता है। अब अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए और एज ए एच पॉजिटिव निकलता है यहाँ से, और यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है, तो यहाँ से टोटल वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो होता है पायरोल का डेरिवेटिव। अब बात करते हैं फ्यूरान के सिंथेसिस की। पालनोर सिंथेसिस से हम फ्यूरान को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1,4-डाइकीटोन को एसिडिक कैटलिस्ट से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे एसिडिक कैटलिस्ट से इसे ट्रीट करेंगे साइकिलाइज होकर ये फ्यूरान या फिर फ्यूरान का डेरिवेटिव देगा। आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एसिडिक कैटलिस्ट है उसका प्रोटॉन किसी भी एक कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगी, जैसे प्रोटोनेट होगी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है उसके पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे पहले वाले उस कार्बन के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ माइग्रेट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। साथ के साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए माइग्रेट करेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा एच पॉजिटिव निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्सीजन ब्रिजिंग हो जाएगी इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं रहा। अब यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ग्रुप हो गया। अब एक प्रोटॉन OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट करवा देगा जिससे यहाँ पे क्या बनेगा H2O पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, और यहां से प्रोटॉन भी निकल जाएगा, तो यहां से वाटर भी निकल गया और प्रोटॉन भी निकल गया। हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, फ्यूरान का डेरिवेटिव मिला है। फ्यूरान के डेरिवेटिव में वो स्पीसीज होंगी सब्स्टिट्यूएंट की जो हमने यहाँ पे 1,4-डाइकीटोन के लिए ली थी। अगर यहाँ पे R1 R2 ग्रुप लिए होते तो यहाँ भी हमें क्या R1 और R2 ग्रुप मिलते। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, मिथाइल लिया है, तो यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट मिला है। अब बात करते हैं थायोफिन के सिंथेसिस की। पालनोर सिंथेसिस से अगर हमें थायोफिन को प्रिपेयर करना हो तो हमें उसके लिए सल्फर चाहिए रिंग के अंदर, और 1,4-डाइकीटोन के अंदर तो सल्फर है ही नहीं, तो अगर वो साइक्लाइज होता है तो वहां से हमें थायोफिन नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए सल्फराइजिंग एजेंट।
P2S5 या P4S10 जैसे सल्फराइजिंग एजेंट से हम किसी एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी डाइकीटोन से थायोकीटोन बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि डाइकीटोन को थायोकीटोन में कन्वर्ट किया जाए। जब डाइकीटोन थायोकीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम, जैसे हमने फ्यूरान के सिंथेसिस में किया, एसिडिक कैटलिस्ट की मदद ली, यहाँ भी एसिडिक कैटलिस्ट की मदद लेके हम थायोफिन प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले स्टेप में जो 1,4-डाइकीटोन है, इसका सल्फराइजेशन करवाना है, तो P2S5 से ट्रीट करते हैं, जिससे इनमें से कोई एक कार्बोनिल, वन आउट ऑफ द टू कार्बोनिल क्या हो जाता है, थायो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगले स्टेप में क्या है, हमारे पास एसिडिक कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को। जैसी ऑक्सीजन प्रोटोनेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और साथ के साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है वो अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ से सल्फर ब्रिजिंग हो जाएगा। और इसी के साथ जो हाइड्रोजन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए दे देता है, और यहाँ से एच पॉजिटिव निकल जाता है। तो यहाँ से एच पॉजिटिव निकल गया, और हमारे पास जो स्पीशीज मिली है वो क्या है, ब्रिजिंग सल्फर वाली, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH लगा हुआ है। एक एच पॉजिटिव आके सॉल्यूशन से इस OH को प्रोटोनेट कर देता है, और यहाँ से क्या बन जाता है, हमारा H2O पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे। और अगले स्टेप में यहाँ से वाटर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए, और यहाँ से एच पॉजिटिव भी निकल जाता है। तो यहाँ से आपका एच पॉजिटिव निकला और वाटर निकला, जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो क्या है, थायोफिन का डेरिवेटिव। अब यहाँ भी क्या केस है कि जो सब्स्टिट्यूएंट 1,4-डाइकीटोन में लगे हुए थे, यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूएंट हमारे कहाँ मिलेंगे, इस थायोफिन के सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो इस तरीके से हम पालनोर सिंथेसिस से पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।